मैं हूं तारिक अरवर चंपारनी और आज मुस्लिम मुख्यमंत्री के इस सीरीज में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं केरल के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री सीएच मोहम्मद कोया के बारे में। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मालाबार तट पर केरल का एक मशहूर शहर है कोझिकोड, जिसे हम कालीकट के नाम से भी जानते हैं। यह वही कालीकट है जहाँ 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के मशहूर नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए सबसे पहले पहुंचा था। कोझिकोड मशहूर और ताकतवर जैमोरिन किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, जिसे त्रावणकोर के राजा ने अपने अधीन कर लिया था। बाद में 1766 ईस्वी के आसपास मैसूर के राजा हैदर अली ने ताकतवर जैमोरिन को हराकर इस इलाके को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। अरबों के साथ इस इलाके का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। समझा जाता है कि मसाला के लिए विख्यात यह क्षेत्र अरबों के साथ सदियों से व्यापार करता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस्लाम का फैलाव लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास ही शुरू हो गया था। इसलिए इस इलाके में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। केरल की आबादी का कुल 26.56% मुसलमानों की आबादी है। यहाँ के मुसलमानों को मपीला या मपीला मुसलमान बोलते हैं। इसी मपीला समुदाय में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने अपने क्रांतिकारी एवं परिवर्तनकारी नीतियों के कारण अपने समुदाय को पिछड़ेपन से निकालने के लिए मशहूर हुआ और जो बाद में चलकर इतिहास में दर्ज हो गया। मशहूर इतिहासकार रोनाल्ड ई मिलर ने अपनी किताब मपीला मुस्लिम कल्चर में उन्हें ग्रासरूट स्टार ऑफ द मपीला कम्युनिटी और रैंकिंग हीरो ऑफ द मुस्लिम यूथ इन केरला बताया है। मैं बात कर रहा हूँ केरल के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री सीएच मोहम्मद कोया यानी के चेरियन कांडी मोहम्मद कोया के बारे में। चेरियन कांडी मोहम्मद कोया का जन्म 15 जुलाई 1927 को कोझिकोडी जिला के अथौली गांव में हुआ था। उन्होंने मशहूर जैमोरिन कॉलेज कालीकट से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम मालाबार मुस्लिम स्टूडेंट फोरम यानी कि एमएसएफ की नींव रखी। बाद में यही एमएसएफ मुस्लिम लीग का स्टूडेंट विंग कहलाता है। बाद में उन्होंने 1946 में मुस्लिम लीग का समाचार पत्र चंद्रिका ज्वाइन कर लिया और वह चर्चा में तब आए जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग को डेड हॉर्स कह दिया और सीएच मोहम्मद कोया ने पलटवार करते हुए बहुत ही तर्क टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू के बारे में की थी। 1957 में केरल विधानसभा का चुनाव हुआ और मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट के तनूर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार मुस्लिम लीग के टिकट पर विधायक चुने गए। पहली बार विधायक रहते हुए ही 9 जून 1961 को केरल विधानसभा का उन्हें स्पीकर बनाया गया और 11 नवंबर 1961 तक केरल विधानसभा के स्पीकर रहे। फिर 1962 में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सीपीआई के मंजूनाथ राव को हराकर लोकसभा पहुंचे। 1967 में केरल विधानसभा का चुनाव हुआ और मांकड़ विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार मुस्लिम लीग के टिकट पर विधायक चुने गए। 1967 में नंबूदरीपाद की सरकार बनी और नंबूदरीपाद की सरकार में इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए ही उन्होंने 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट की बुनियाद रखी। फिर 1970 का विधानसभा चुनाव हुआ और 1970 के विधानसभा चुनाव में कुंडोटी विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम लीग के टिकट पर तीसरी बार विधायक चुने गए और उन्हें फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया। और इस बार शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कोचीन की बुनियाद रखी। आज भी दोनों यूनिवर्सिटी के बुनियाद में फाउंडर में सीएच मोहम्मद कोया का नाम आता है। वह 1969 से 1973 तक केरल सरकार में गृह मंत्री भी रहे। 1973 में मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता और मंजेरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद मौलाना मोहम्मद इस्माइल का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मंजेरी लोकसभा का उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में मुस्लिम लीग के तरफ से सीएच मोहम्मद कोया को प्रत्याशी बनाया गया और दूसरी बार सीएच मोहम्मद कोया मंजेरी लोकसभा क्षेत्र, जिसे अब मल्लापुरम लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, वहां से चुनकर लोकसभा पहुंचे। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में केरल की 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ और सीएच मोहम्मद कोया मल्लापुरम विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए। केरल की 5वीं विधानसभा बहुत ही उथल पुथल वाला रहा। यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से कांग्रेस पार्टी के करुणाकरण को मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन 32 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई और कांग्रेस के एके एंट्री को मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन उनकी सरकार भी 1.5 वर्षों से अधिक नहीं चल सकी। अब बारी थी यूनाइटेड फ्रंट की दूसरी सहयोगी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पीके वासुदेवन नायर को मुख्यमंत्री चुन लिया गया।
लेकिन उनकी सरकार भी एक वर्षों से अधिक नहीं चल सकी। इसी मौका का फायदा यूनाइटेड फ्रंट की तीसरी सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग ने उठाई और मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी। मुस्लिम लीग के योग्य नेता सीएच मोहम्मद कोया को 12 अक्टूबर 1979 को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, मगर उनकी यह सरकार भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी और केवल 52 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई और केरल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन के बाद 1980 का विधानसभा चुनाव हुआ और सीएच मोहम्मद कोया मंजेरी विधानसभा क्षेत्र से पांचवी बार विधायक चुने गए और केरल में के करुणाकरन की सरकार बनी और उस सरकार में सीएच मोहम्मद कोया को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मगर 1981 में फिर से विधानसभा को बर्खास्त कर दिया गया और 1982 का विधानसभा चुनाव हुआ। 1982 के विधानसभा चुनाव में उसी मंजेरी विधानसभा क्षेत्र से सीएच मोहम्मद कोया छठी बार विधायक चुने गए और फिर से के करुणाकरन की सरकार बनी और उस सरकार में फिर से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए ही 28 सितंबर 1983 को सीएच मोहम्मद कोया, जो कि क्रांतिकारी और रिफॉर्मिस्ट नेता थे, हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा बोल गए। यह वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।